नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आज हम लेखन विभाग में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे पत्र लेखन। क्या आपको एग्जाम के अंदर पत्र लेखन पूछा जा सकता है? पूछा जाता ही है। तो उसमें कई सारे विद्यार्थियों को पत्र लेखन लिखना अच्छी तरह से आता है, जबकि कई विद्यार्थियों को थोड़ी तकलीफ होती है। तो आज हम पत्र लेखन किस प्रकार लिखेंगे वो देखेंगे। पत्र लेखन एक कला है कि आज हम देखते हैं कि मोबाइल का जमाना है, इसलिए पत्र लेखन जो है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लुप्त हो ही गया है। तो फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। पत्र लेखन एक कला है। अच्छे पत्रों में सहजता, आत्मीयता एवं अपनापन होता है। कि अच्छे पत्रों में क्या होता है? आत्मीयता होती है, अपनापन झलकता है। पत्र की भाषा प्रसंगानुसार होनी चाहिए कि हम जिस विषय के ऊपर या जिस प्रसंग के ऊपर पत्र लिख रहे हैं, उसके अनुसार ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्रों में शिष्टाचार का निर्वाह होना अत्यंत आवश्यक है कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें शिष्टाचार होना जरूरी है। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। विचारों के आदान प्रदान का यह एक उत्तम साधन है कि विचारों के आदान प्रदान का, यानी कि एक व्यक्ति के विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये पत्र लेखन जो है वो उत्तम साधन है। पत्रों से मैत्री बनाना सरल होता है। पत्र मित्र बनाकर हम देश विदेश में नए मित्र बना सकते हैं। पत्र एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित भी किए जा सकते हैं। राजपूत सामंत पृथ्वीराज का राजा प्रताप को लिखा पत्र, कर्मवती का हुमायूं को सहायता के लिखा पत्र, जवाहरलाल के प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्र, गांधी जी, गालिब, महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी के पत्र आज दस्तावेज बन गए हैं कि पत्र लेखन जो है वो बहुत पहले का है। पत्र निजी या व्यक्तिगत होते हैं। कि व्यावसायिक पत्र तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये तीन प्रकार के पत्र पाए जाते हैं। बराबर है कि हाँ, कितने प्रकार के पत्र हैं? एक तो निजी या व्यक्तिगत, यानी हम हमारे किसी संबंधी को, सगे संबंधी को लिखते हैं वो पत्र। दूसरा व्यावसायिक पत्र तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये तीन प्रकार के पत्र जो है वो लिखे जा सकते हैं। तो सभी के अंदर लिखावट अलग अलग होती है। हम एक ही प्रकार का लिखावट करके ये तीन प्रकार के पत्र नहीं लिख सकते। पत्र के प्रमुख अंगों पर ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार है कि हमें पत्र लेखन करते समय कि कई कई बाबतों का ध्यान रखना है वो देखते हैं। तो पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक, जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है, दाहिनी यानी कि जमणी बाजू, कि कहां पे लिखा जाता है? पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक, जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है, दाहिनी एटले जमणी बाजू। हम साथ साथ पत्र भी लिखते जाएंगे, जिससे आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि पत्र की दाहिनी ओर क्या लिखना है? पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक। तो हम पत्र का एक नमूना देखते हैं। यहाँ पे सुरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत से चिंतन वर्मा, अहमदाबाद निवासी, अपने मित्र वरुण देसाई को रक्तदान का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। तो वहां पे क्या लिखा था? जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है उसका एड्रेस, बराबर, वो कहाँ पे लिखना है? जमणी बाजू। तो पत्र लिखने वाले का पता, तो यहाँ पे कौन लिख रहा है? चिंतन वर्मा। कहाँ से? सुरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत। तो ये लिखने वाला है, तो इसका पता एवं डेट जो है वो दाहिनी ओर आएगा, बराबर। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सुरोही पार्क, सुभाष रोड, सूरत 3950001 से।
बराबर, ये हुआ लिखने वाले का पता चिंतन वर्मा का। उसके बाद डेट, बराबर हम हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए दिनांक, जिस दिन आपकी एग्जाम हो उसी दिन की डेट आप लोगों को लिख देनी है, बराबर है, कोई भी डेट यहाँ पे आप उस दिन की लगा सकते हो। उसके बाद आगे का हम देखते हैं। अब कंप्यूटर के युग में सुविधा के लिए उसे बाईं ओर भी लिखा जाता है, बराबर कि कंप्यूटर की सुविधा के लिए जिस पते को हमने दाहिनी ओर लिखा उसे बाईं ओर भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम हाथ से लिख रहे हैं पत्र, इसलिए हमें जो लिखने वाले का पता एवं डेट जो है वो दाहिनी ओर ही लिखना है। उसके बाद आएगा संबोधन, कि निजी या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अन्य पत्रों में के संबोधन में अंतर होता है, कि निजी पत्र यानी हम किसी फैमिली मेंबर को या फिर हमारे फ्रेंड दोस्त किसी को भी पत्र लिखने वाले हैं तो उसका संबोधन, और अन्य पत्र यानी कि व्यावसायिक पत्र है, सरकारी पत्र है, इन दोनों के संबंधों में अंतर होता है, कि निजी पत्रों में बड़ों के प्रति आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कि निजी पत्रों के अंदर अगर हम हमारे मम्मी पापा को, दादा दादी को, चाचा चाची, कोई भी हमसे बड़े जो है उसे अगर हम पत्र लिखने वाले हैं तो उसके संबंधों में आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, मान्य और माननीय, पूज्या, पूजनीय आदि आदि, ये सब हमसे बड़ों के लिए हम संबोधन कर सकते हैं, जबकि छोटों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, चिरंजीव, इस प्रकार का संबोधन होता है। हम बड़ों के लिए इन संबंधों का उपयोग नहीं कर सकते और छोटों के लिए ऊपर वाले संबोधन नहीं कर सकते, कि जो संबोधन जिस जगह पर करना है उसी जगह पर हम कर सकते हैं, और व्यावसायिक या सरकारी पत्रों के में प्रति के बाद उसके होदों के अनुसार संबोधन होता है, कि व्यावसायिक या सरकारी पत्रों के अंदर हम ये सब संबोधन नहीं लिख सकते। तो संबोधन आएगा पहले, तो संबोधन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस साइड, तो यहाँ पे तो मित्रों को पत्र लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं प्रिय मित्र, बराबर। उसके बाद आगे पत्र का विषय, कि व्यावसायिक पत्रों में इसका विशेष उपयोग होता है, कि अगर कोई व्यावसायिक पत्र लिखना है तो उसका विषय जो है वो हमें लिखना पड़ता है, लेकिन ये कोई व्यावसायिक पत्र हम नहीं लिख रहे इसलिए यहाँ पे नहीं लिखते विषय, लेकिन अगर कोई व्यावसायिक या सरकारी पत्र हो तो यहाँ पे हमें संबोधन अलग लिखना होगा। अगर व्यावसायिक पत्र में अगर हम संबोधन करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्यावसायिक पत्र में तो सेवा में अथवा तो प्रति कौन से अधिकारी को लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगा, कि कोई अगर मैनेजर को पत्र लिखना है तो प्रति मैनेजर, अथवा किसी पुस्तकालय में लिखना है तो ग्रंथ रत्नाकर, व्यवस्थापक, अथवा किसी आरोग्य ऑफिस में लिखना है तो आरोग्य अधिकारी अथवा हेल्थ ऑफिसर, बराबर ये सब हम लिख सकते हैं, वो कौन से, सरकारी पत्र में या व्यावसायिक पत्र में, निजी पत्र में केवल ये प्रिय मित्र। उसके बाद सरकारी या व्यावसायिक जो पत्र है उसके अंदर विषय आता है तो ये हो जाता है। उसके बाद हम विषय लिखते हैं, तो अगर आपको आरोग्य की ऑफिस में अगर आपको पत्र लिखना है, बराबर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि मोहल्ले की अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत करता हुआ पत्र, ये विषय हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये अंगत निजी पत्र है इसलिए इसमें विषय नहीं आएगा, कि ये बात और ये बात सरकारी पत्र या व्यावसायिक पत्र के अंदर ही आ सकती है। तो ये हम निजी पत्र लिख रहे हैं कि प्रिय मित्र, ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, पत्र का विषय वो हो गया। अभिवादन, कि सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है,
व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर वंदन, चरण स्पर्श, नमस्ते इत्यादि से अभिवादन किया जा सकता है। कि अगर हम कोई सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो ये अभिवादन आएगा नहीं। निजी पत्र हो या किसी फैमिली मेंबर दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो ये अभिवादन आ सकता है। कि यहाँ पे मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र नमस्कार, अथवा कुछ भी यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। अगर किसी बड़े को लिख रहे हैं तो चरण स्पर्श आदि अभिवादन हम संबोधन के बाद कर सकते हैं। उसके बाद पत्र का मुख्य भाग, कि यह हिस्सा पत्र की जान है। व्यक्तिगत पत्रों में कुशल समाचार के बाद पत्र में मुख्य बात विशिष्ट शैली भाषा में व्यक्त होती है। कि अगर पत्र लिखने की शुरुआत में हमने संबोधन लिखा, उसके बाद अभिवादन हो गया, उसके बाद अगर व्यक्तिगत पत्र यानी किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को लिखते हैं तो कुशल समाचार पूछते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, तुम लोग अच्छे होंगे, ये सब हमने लिखा। उसके बाद पत्र में मुख्य बात यानी कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं वो बात लिखने की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे जो हमने नमूना देखा उसमें रक्त का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है, तो उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हम बीच में लिख देंगे। उसके बाद पत्र लेखक का सहज परिचय भाषा से होता है। व्यावसायिक एवं सरकारी पत्रों में नपे तुले शब्दों में विषय को औपचारिक रूप से लिखा जाता है। कि व्यावसायिक पत्र जो है उसे कम शब्दों में, नपे तुले यानी कि कम शब्दों में हम जो विषय है उसका वर्णन कर देते हैं और औपचारिक रूप से उसे लिखते हैं। मैं आपको एक ऐसा ही सरकारी पत्र का नमूना दिखाती हूँ जो आपके डाइजेस्ट के अंदर है ही, लेकिन आप समझदारी के लिए देख सकते हैं। देखो यहाँ पे है ही, यहाँ पे पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद ये सरकारी पत्र है इसलिए इसमें प्रिय मित्र ये सब आता नहीं है। सेवा में श्री आरोग्य अधिकारी, हेल्थ ऑफिसर, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वडोदरा। विषय है मोहल्ले की अनारोग्य हालत के बारे में शिकायत, बराबर। उसके बाद जो कुछ भी लिखना है वो कम शब्दों में यहाँ पे लिखना है, बराबर है। अब आगे हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली, कि हमने पूरा पत्र लिख डाला, पूरा हो गया। कोई भी पत्र हो, सरकारी पत्र हो या व्यक्तिगत पत्र हो, वो हमने लिख लिया। तो अब अंत में हस्ताक्षर, कि हम हस्ताक्षर यानी साइन के पहले जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसकी बात की गई है। कि व्यक्तिगत पत्रों में संबंधानुसार बड़ों को लिखे पत्रों में आज्ञाकारी, आपका सेवक, कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन, छोटों को शुभचिंतक, शुभेच्छक, शुभकांक्षी आदि लिखा जाता है। कि अगर हमने पिताजी को पत्र लिखा है तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, अगर किसी मित्र को लिखा है तो तुम्हारा प्रिय मित्र, उसके बाद हमारा नाम, बराबर। कि साइन के पहले जो शब्द उपयोग करने वाले हैं उसका यहाँ पे लिखना जरूरी है। आवेदन पत्रों में भवदीय, प्रार्थी या निवेदक लिखा जाता है। अंत में प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। पता, कि पोस्टकार्ड, अंतरदेशीय पत्र या लिफाफे पर योग्य ढंग से पता लिखना चाहिए। कि पहले पाने वाले का नाम, उसके बाद मकान का नंबर, उसके बाद मोहल्ला या सोसाइटी कॉलोनी का नाम, उसके बाद सीमा चिन्ह, रूप, स्थान या विस्तार, रास्ता विशेष का नाम, नगर या गांव का नाम तथा पिन कोड नंबर। ये सब एग्जाम के अंदर हमें लिखना नहीं है, ये केवल जानकारी के लिए है। इन बातों को हमें क्रमशः लिखना चाहिए।
उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखने से आप अपनी पत्र लेखन कला का विकास कर सकते हैं। तो हमें इतनी बातों का ध्यान रखकर हमें पत्र लेखन करना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज आनी चाहिए, क्योंकि तीन बात हमें हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे क्या लिखना है, जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस और दिनांक, उसके बाद यहाँ पे आएगा संबोधन और अभिवादन, उसके बाद साइन कहाँ पे करनी है, नीचे बराबर। कई लोग जो है वो इस साइड भी अपना सिग्नेचर करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है, सिग्नेचर इस साइड ही आएगा। तो इतनी बातों को ध्यान में रखकर हमें एग्जाम के अंदर पत्र लेखन करना है। थैंक यू।